अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम लोग दोबारा आउटसाइड पे आए हैं और आपके साथ हम लोगों ने सोचा कि इस वीडियो को हम लोग शेयर करें, क्योंकि काफ़ी जब हम लोगों ने पहले एक मतलब आउटसाइड की वीडियो को अपलोड किया तो हमें अच्छी फीडबैक मिली थी। तो यहाँ पर चलते चलते हमने देखा कि यहाँ पर ऋषि चरण के बहुत अच्छा स्टॉल है और ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और ये देखिए, हर चीज़ को हमने कहा आपके साथ चलो इस चीज़ को शेयर करते हैं। तो आंखों में दिखने में जो चीज़ है, ये सारे कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसके साथ साथ हम आपको आज दिखाएंगे भी इस वीडियो में जो सिरेशन सैलेड है सबको बहुत पसंद होती है वो कैसे बनेगी। तो यहाँ पे एक इसका ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है कि ये देखिए मतलब ये स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ही इनकी जो होती है टेस्ट में अच्छी होती है और सैलेड मुझे भी बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने सोचा कि चले बाहर भी आए हैं और हम लोगों ने ये खानी भी है तो क्यों ना आपके साथ भी इसकी वीडियो को शेयर करें। तो यहाँ पे बहुत ब्रीफली मतलब हर चीज़ को इन्होंने अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और हर चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पर बनाई हुई है, फ्रेश होती है, टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। और जो सी है इसके साथ साथ ये लोग किस तरह बनाते हैं, कितने अरसे से यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई आपके सामने मतलब सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा डाल भी रहे हैं लेकिन बाद में इनसे पूछते भी हैं। लेकिन जस्ट मैं एक ये ओवरव्यू आपको दे रही हूँ क्योंकि ये इस वक्त बना रहे हैं, साथ साथ आप लोग देख भी लें कि किस तरह ये बना रहे हैं। लेकिन बाद में हम पूछेंगे कि इनका तजुर्बा कितने अरसे से है, किस तरह बना रहे हैं, किस तरह उन्होंने ये काम शुरू किया और जो भी चीज़ें होंगी। तो आप लोगों ने अपनी फीडबैक देने की, इस तरह के जो से वीडियो जो हम लोग आउटसाइड पर आकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, क्योंकि एक हटकर चीज़ है। क्योंकि हमें इसके पहले फीडबैक भी काफ़ी अच्छा मिला, लोगों ने हमें काफ़ी अप्रिशिएट किया, हमारे बहन भाई ने हमें अप्रिशिएट किया। तो हम लोगों ने सोचा कि आज फिर इस तरह की एक वीडियो को रिकॉर्ड किया जाए, हम लोग भी आउटसाइड पर आए हैं और आप लोगों को भी ये सब कुछ व्यू दिखाएं तो डिफरेंट भी होगा और इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद भी करेंगे। तो चलते हैं भाई की तरफ और जानते हैं उनसे। ये भाई की सबसे अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग इनसे यहाँ पर मतलब सैलड लेने के लिए आते हैं, ये है इनकी सफाई सुथराई, हर चीज़ बहुत क्लीन है, नीट एंड क्लीन है। और इनका बनाने का तरीका, ये फ्रेश फ्रूट्स यूज़ करते हैं और जो भी मतलब सैलड होती है ये डेली बेसिस पर फ्रेश बनाते हैं और कोई भी मक्खी, कोई गंद, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं, मतलब अनहाइजेनिक नहीं है। तो बहुत ही अच्छी इनकी जो सा टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, फ्लेवर भी बहुत इनकी चीज़ों का, और ये फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं मतलब फ्रूट्स वगैरह भी, और हर चीज़ ये मतलब डेली ही बनाते हैं तो हमें बहुत पसंद है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप लोग यहाँ पर आएँ और इनकी ये सैलड को ज़रूर टेस्ट करें और इन्हें अप्रिशिएट करें कि कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं, जितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ये डेकोरेट करके अपने जो से कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। और इसी अट्रैक्शन की वजह से आज हम आपके साथ ये वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इन भाई की सिर्फ क्वालिटी अच्छी नहीं है बल्कि इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो भाई मुझे साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताएं ये जो सारी चीज़ें हैं इनके हवाले से कि आप कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो मुझे ये बताएं कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? 12 साल हो गया माशाल्लाह। तो मतलब आपने ये सारा चीज़ें बनाने का काम किसे सीखा था, कहाँ से सीखा था आपने? अपने बड़े भाई से। अपने बड़े भाई से, ठीक है। तो अब आप साथ साथ शुरू करें बनाए आप। अच्छा, तो मुझे साथ साथ बता भी दें आपके कौन कौन सी चीज़ें आपने बनाई हुई हैं, ये क्या है? अच्छा, ये पास्ता, ये मकरोनी, ये एप्पल, मीठी मकरोनी, बंद गोभी। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा, आवाज़ नहीं आ रही। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ऊंचा। ये चने। अच्छा, तो इन सब चीज़ों को चाट वाले एप्पल। अच्छा, तो फिर मीठे एप्पल। ये जो सब चीज़ें आप मतलब रात को बनाते हैं, किस तरह मतलब आपने बना फ्रेश बनाया होता है इनको या आकर बनाते हैं? एक दो बजे शुरू होते हैं, तकरीबन 2-3 घंटे में तैयार हो जाते हैं। 2-3 घंटों में तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये चटनियाँ किस किस्म की? ये क्रीम है। अच्छा, ये क्रीम है और ये क्या है? ये खुमानी और आलू बुखारे की क्रीम। अच्छा, मतलब स्पाइसी का टेस्ट देने के लिए? हाँ। और ये क्या पड़ा हुआ है? ये बंद गोभी। ये बंद गोभी और वो है चाट वाले सेब एप्पल। अच्छा, उसके साथ पास्ता। अच्छा, तो वो भी फ्रूट्स है साथ? वो भी फ्रूट है एप्पल। अच्छा, तो मतलब कोई खास ये बताएं। अच्छा, ये जो चने हैं इसके अंदर मतलब आप क्या नमक मिर्च डालते हैं, क्या डालते हैं इसके अंदर आप? नमक मिर्च और मसाला डालते हैं, खीरा वगैरह हो गया, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ठीक है। और ये जो सब चीज़ें आप खुद तैयार करते हैं कि आपने अपने मतलब साथ रखे हुए हैं, अपने हेल्पर्स रखे हुए हैं आपने? दोनों भाई हैं और एक हेल्पर है। दोनों भाई हैं और एक हेल्पर है, ठीक है। तो मतलब कोरोना की वजह से कुछ फ़र्क पड़ा है काम पे कि माशाल्लाह शुक्र अल्लाह का सब कुछ ठीक है? हमारा पार्सल काम में कोरोना में ज़्यादा होता है, कोरोना में ज़्यादा बैठने का तो है नहीं, सब पार्सल को होता है। हाँ जी, इसलिए शुक्र है अल्लाह का, ठीक
तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की वीडियो है जो हमने यहाँ पे, क्योंकि ये भाई ने हमें आज बताया कि किस तरह ये जो सी अपनी सैलेड है तैयार करते हैं, रेशिया सैलेड की इनका यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है, काफ़ी अच्छे से हम इनके पास आते हैं लेने के लिए और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो यकीनन आप लोग जब इस साइड पर आएँ तो इनकी रेशिया सैलेड को ज़रूर टेस्ट करें और हमें अपनी फीडबैक दें कि मज़ेदार है, कितना साफ़ सुथरा है, हर चीज़ बहुत साफ़ सुथरी है और देखने में बहुत अच्छी लग रही है। जो खास चीज़ है कि डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है जो अट्रैक्ट कर रही है, जैसे इन्होंने ये इसको गार्निश किया हुआ है और बाकी सब चीज़ें भी बहुत अच्छी इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त दें, इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।